हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज के दिन जो है अपना नया साल हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो ग्रंथों में है उसके अकॉर्डिंग आज से अपना नया साल जो है प्रारंभ होता है, और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अच्छा लोगों के लिए कामना कीजिए, और इसको बड़े धूमधाम से भी मनाएंगे, क्योंकि हम जब जनवरी को धूमधाम से मनाते हैं तो फिर इसको क्यों नहीं। तो हमारी अपील है आप लोगों से कि जो आपने हिंदू धर्म का और हिंदुस्तान का, नॉट हिंदू धर्म हम बोले, हिंदुस्तान का जो है नववर्ष है उसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाएं। और क्योंकि देखो हिंदू धर्म कोई वैसे नहीं, जो हिंदू धर्म में नववर्ष मनाया है वो वैसे नहीं मनाया गया, टेक्निकली मनाया। आप देखो नोटिस करो कि पेड़ पत्ते इस टाइम पे नई नीम की पत्तियां हैं, ये तो इस टाइम पे जो है वो फागुन में रिलीज कर देती है, और चैत्र में जो है वो नए पत्ते आते हैं। तो कुछ पत्ते भी जब नई प्रारंभिक करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे धर्म में भी जो है, हमारे हिंदुस्तान में भी जो है नए साल का प्रारंभ ग्रंथों में किया गया है ना। तो वही बात है, इसमें दो लाइन आपके लिए कि शाखाओं पर आए नए पत्तों का श्रृंगार है, शाखाओं पर नए पत्तों का श्रृंगार है, और स्कूल में नए नए बच्चों का दीदार है, स्कूल में नए नए बच्चों का दीदार है, ये मीठी बोली से बोलकर एक दूसरे का करते आभार, ये मीठी बोली से बोलकर एक दूसरे का करते आभार, बताओ फिर क्यों ना मनाए हिंदू नववर्ष बार बार। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन हमारा जो रहेगा वो है जो मोर कंसेप्ट है उसके जो न्यूमेरिकल्स है उस पर डिपेंड है ना, तो उस पर डिपेंड है, उस पर हम स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज, देखो मास परसेंटेज हमने पढ़ा था, मास परसेंटेज क्या है, आपको किसी सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो दिया गया है, पहले देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो टैबलेट आती है वो इन एसिटोनाइट्राइल, इसके अंदर क्या है उसको एसिटोनाइट्राइल, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ द एस्पिरिन इज डिसॉल्वड इन द 450 ग्राम ऑफ द एसिटोनाइट्राइल, इसके अंदर है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। देखो सबसे पहले आप है ना न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करें, कई बार बच्चे समझते नहीं है इसमें, इसलिए न्यूमेरिकल्स हो नहीं पाते हैं। तो आपको उसको समझो थोड़ा सा ना, ट्राई करो कैसे कि सर कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ से पता लगे कि कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज, लेकिन किसका, और एस्पिरिन का, तो एस्पिरिन का मास ऊपर आएगा नीचे टोटल मास आएगा, सीधी सी बात, हमें क्या करना है फॉर्मूला पुट करना है, मास परसेंटेज और किसका निकाल हमें एस्पिरिन, एस्पिरिन ना, तो यहाँ क्या होगा मास ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन और टोटल मास, टोटल मास 100% में पूछे, अगर पार्ट पार्ट पर मिलियन में पूछा होता तो 10^6 लगा देते, तो क्या करना है उसका मास कितना लिया 6.5 ग्राम, तो दिया हुआ है 6.5 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा दोनों को मिला के 6.5 ग्राम प्लस सॉल्यूट का कितना 450 ग्राम इनटू 100, तो क्या हो गया आपके पास 6.5 ग्राम ग्राम से, और इधर क्या है ये हो गया 456.5 ग्राम मतलब इनटू ये। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इसको पूरे को इसका 1 पॉइंट है और इसका भी 1 पॉइंट है तो घटा दो, अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 1.42%, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये किसका परसेंटेज वो निकाल लिया है आपने, मास परसेंटेज ऑफ द एसिड, अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ एसिटोनाइट्राइड पूछा होता तो हम जानते हैं टोटल 100% होता है, और इसमें से 1.42 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ एसिटोनाइट्राइड आ जाएगा,
बोलो समझ में आया नहीं आया, है ना। तो अप्रोक्स आपको 1.4 जो है वो क्या करना है, इससे हटाना है, तो आपके पास हो जाएगा 98.6% के आसपास आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये रहेगा, या 2.4 करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 98.5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अप्रोक्स आपका आंसर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बोलो समझ में आ गया। यस, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो डिपेंड है मोल फ्रैक्शन पर। किस पे डिपेंड है? मोल फ्रैक्शन पर। तो मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन क्या है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम एथेनॉल, क्या क्या है आपके पास, 25 ग्राम तो वाटर है, 25 ग्राम भी क्या है आपके पास, एथेनॉल है, ये भैया क्यों कर रहे हो, यस, और 50, कितना 50 ग्राम आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है, बाय मास, मास की फॉर्म में है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच वन, हर एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको, हर एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, मोल्स, जबकि गिवन किस में है, ग्राम में, और ग्राम से मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट क्या करवा रहा है, वो फॉर्मूला को कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करवा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल्स जिसका भी निकालना है अपॉन टोटल मोल्स। अब इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं, कंपोनेंट 3, वाटर 1, एथेनॉल, तो तीनों के यहां मास आ जाएंगे। तो मैं क्या करूं, ए बी सी कर देता हूं, मुझे ए के निकालने, तो ये मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। ए में आपके पास वाटर हो गया और बी में आपके पास एथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, और सी में आपके पास एसिटिक एसिड हो गया, क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इसका पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें मोल्स चाहिए। तो वाटर के मोल्स निकाल, H2O के मोल्स निकाल लें, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O, तो क्या हो गया, गिवन वेट, गिवन वेट कितना है इसका, तो देखो परसेंटेज में दिया है ना, तो इसको परसेंटेज क्योंकि टोटल 100 हो गया, तो हम 100 के अंदर ये मान के चले, अब इसमें किस फॉर्म में डालेंगे, 25 ग्राम, ये क्या है 25 ग्राम, ये आपको मानना है, ये 50 ग्राम ना, तो टोटल 100 ग्राम हो गया, हमने लिया 100 है, ये मान के चले 25 ग्राम अपॉन 80। चलिए फिर किसका निकालना है, मोल्स ऑफ एल्कोहल है ना, एथेनॉल, एथेनॉल का कितना है 25 ग्राम, और इसका निकालोगे तो 46 आएगा, मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ किसका एसिटिक एसिड, उसको निकालोगे 60 आएगा। भैया मास परसेंट ये निकाल लेना, मोल का फॉर्मूला था गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट ये आ सकता है, ये दे रखा, और ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट, तो वाटर का एक्टिंग होता है एथिलीन को जो है CH3 CH2 OH होता है, और जो होता है CH3 COOH होता है, 2 कार्बन का मास, और आपके पास 5 और 6, 6 हाइड्रोजन का मास, 1 ऑक्सीजन का मास कैलकुलेशन कर देना, और आपको 46 आ जाएगा। आपने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का कर देना, 60 आ जाएगा। और अब इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ पर सबके अलग अलग मोल्स आएंगे, तो इसके मोल्स आ रहे हैं आपके पास 1.3, इसके मोल्स आ रहे हैं 0.5, और इसके मोल्स आ रहे हैं 0.8, ठीक है। तो ये आपके पास इसके मोल्स आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ द H2 निकालना है, 1.3 क्योंकि वाटर का निकालना है, टोटल मोल्स 1.3 प्लस
0.5 + 0.8, देखो ये मैंने हम अप्रोक्स में लिया, आगे भी जा रहा होगा, आगे भी उसमें वैल्यूज होगी वो उस तरह से, तो कहीं आपको क्वेश्चन मिले ये और उसमें आपसे थोड़ा ऊपर नीचे फ्रैक्शन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बाकी सेम है, हम ये ले रहे हैं तो हमारा आंसर इस हिसाब से चलेगा। चलिए अब बात कीजिए क्या हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे पॉइंट को, तो 1.8 और 1.8 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा 16.6 आपका ये आ जाएगा, और 2.6 के बाद आपने इसे कैलकुलेट किया तो ये 1.3 अपॉन 1.3 प्लस 0.5 और प्लस 0.8 इसको सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2.6, ये आपने सम किया ही। अच्छा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5, इसका मॉल फ्रैक्शन आ जाएगा, कितना आएगा 0.5 समथिंग आ रहा है। ऐसे ही हम किसके निकाल रहे हैं एथिल अल्कोहल का CH2OH, सॉरी एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, कितना है इसका मॉल फ्रैक्शन 0.5 अपॉन 2.6, इसको निकालोगे तो 0.19 के आसपास आ रहा होगा, इसको निकालोगे क्या है आपके पास 100 तो हो रहा है, ठीक है मैं यहाँ देख देता हूँ ना, अब मुझे किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक एसिड CH3COOH और ये मेरे पास आ रहा है कितना कहा गया वो ये H 0.8 अपॉन 2.6 0.8 ये आ रहा है 0.3 के आसपास, कितना आ रहा है 0.3 के आसपास इसका मोल फ्रैक्शन आ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है, हम उसके आगे यूनिट लगाएंगे नहीं, ठीक है इसमें होती है यूनिट तो परसेंटेज है ना, परसेंटेज इसमें कोई दिक्कत है। तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे आई होप, अगर ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें यार, आपका सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है और उसी के बेसिस पर हम और नए नए वीडियोस, नए तरीके से नए न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे आपके लिए। तो एक बार आपके प्रेजेंट और लाइक का आपके प्रेजेंट होती है ना, जिससे पता लगे कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चों को पसंद आ रहा है, अगर हमारी पावर क्या है स्टूडेंट्स तो है, अगर बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं तो हमें वीडियोस बनाने में और इंटरेस्ट है कि नहीं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे नए नए वीडियोस जो भी आएंगे या नई कोई इन्फॉर्मेशन होगी, नए वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो ये दोनों भी दोनों जो न्यूमेरिकल्स हैं हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो वेस्ट है इस पर मोल परसेंटेज पर। देखो ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एक तो ये 1997 में आया हुआ है, एक तो ये क्वेश्चन तो तब भी आया, उससे के बाद भी आया हुआ है क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन। इसमें क्या है आपके पास कैलकुलेट द मास मोल परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन मीथेन, अब कैसे निकाले इसमें डाटा तो गिवन है निकल जाएगा आपसे ना, किसका निकलवा रहा है कार्बन का, किसमें मीथेन, मीथेन है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, मीथेन का फॉर्मूला आपके पास हो गया CH4, क्या हो गया CH4, तो व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन इन मीथेन एंड व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन, तो कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन इसका कितना हो गया 12 मास, और इसका कितना हो गया 4 × 1 इज 4, 1 हाइड्रोजन कितना होता है 1 और हाइड्रोजन कितने 4, टोटल कितना हो गया 4। अब हमें वैसे ही निकालना है क्योंकि मोल परसेंटेज निकालना है, मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन का मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मोल्स ना, टोटल मोल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे सर, डाटा गिवन में तो है नहीं है तो इसी को लो,
इसके मास की वॉल्यूम तो कार्बन मोल्स निकालोगे किसका, मोल्स ऑफ कार्बन नहीं है गिवन तो उसी के इक्वल है वो, तो थर्ड उदाहरण हमने ले लिया जो इसकी मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है और अपन मॉलिक्यूलर मास कट गया तो मोल कितने आ गए 1 मोल आ गए, कितने आ गए 1 मोल। और अब हमें हाइड्रोजन का निकालना है तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चलिए गिवन वेट कितना है 4 ग्राम, कितना है 4 ग्राम अपन 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकालो तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4 मोल, कितना आ गया 4 मोल। अब पुट करो, पुट करोगे तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं 1, टोटल मोल्स कितने हैं 3 × 100 × 100, टोटल मोल्स कितने हैं 4 + 1 4 + 1, कार्बन का, कार्बन का और हाइड्रोजन का टोटल मोल्स हो जाएंगे 4 + 1 × 100, क्या हो जाएगा 1/5 × 100 आ गया आंसर हमारे पास 20, ये हो गया 20%, कितना आ गया 20%। तो कार्बन का अगर 20% है तो हाइड्रोजन का कितना होगा 80%, खत्म कर, ये आपके पास इस तरह से वेरिएबल बन के आता है। अब बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ 10% बाय मास, तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई लोगों से नहीं होता है क्योंकि वो डेंसिटी में उलझ जाते हैं। अरे डेंसिटी पता होना चाहिए कि डेंसिटी का क्या मतलब है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको घुमाता जाना है क्योंकि मोल कंसंट्रेशन टर्म्स में पूछता है तो आपको डेंसिटी गिवन होती है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है वॉल्यूम की होती है कि वो निकलवाएगा, हमें सीधा सीधा पूछ रहा है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं डेंसिटी के लिए होंगे सेकंड के रखो इसे डेंसिटी ऑफ 10% बाय मास ऑफ केसीएल, केसीएल का मास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है केसीएल के मास की बात कर रहा है ठीक है। तो सॉल्यूशन इज 1.6 ग्राम पर लीटर, देखो ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ, किसकी डेंसिटी 10% ऑफ मास ऑफ केसीएल सॉल्यूशन इज, मतलब डेंसिटी यहां है ये डेंसिटी नहीं है ना, तो ये डेंसिटी ऑफ 10% ऑफ मास ऑफ केसीएल बाय मास ऑफ केसीएल सॉल्यूशन इज 1.6 ग्राम पर लीटर, भाई ग्राम पर लीटर है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम यही तो है डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, इसे पहचान करो 1.6 होता है ठीक है ये डेंसिटी है। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द फॉर्मूला ऑफ मोलिलिटी, मोलिलिटी का क्या है मोलिलिटी का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला पुट करो आप उधर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या कह रहे थे वेट ऑफ सॉल्वेंट, कह रहे थे वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लेते हैं ठीक है। और अगर हमने ये ग्राम में लिया है हमने 1000 लगा दें, चलिए ठीक है सर हमें इसकी जरूरत है, ये तो निकल गया तो गिवन है इसकी जरूरत है, तो केसीएल का केसीएल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है केसीएल का, यहाँ निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ केसीएल, केसीएल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका होगा 39 + 30.5 दोनों को कर दो सौ तो 74.5 आ जाएगा, तो आएगा 74.5 5 5 4 14 और 6 6 17 हो गया हो जाएगा सर मॉलिक्यूलर मास मिल गया, वेट गिवन वेट ये रहा गिवन वेट 10% तो परसेंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था पहले 10% का मतलब क्या होता है 10 ग्राम याद करो मास परसेंट में पढ़ाया था कि ऐसा लिखा होगा उसका मतलब क्या समझेंगे परसेंट है तो टोटल 100 है उसमें से टोटल 100 है तो टोटल 100 में से 10% तो सॉल्यूट है यानी कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, फिर बचा जो सॉल्वेंट है, अब ये एंटिटी कौन सी वेट बाय वेट की एंटिटी, याद करो पिछले लेक्चर में वेट बाय वेट की एंटिटी में इस 10% को हम किस तरह से लेते हैं, तो इसमें वेट बाय वेट में हम 10% कैसे लेते हैं 10% ये है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 100 में से 10 माइनस यानी कि 90 हो जाएगा, तो आपके पास सॉल्वेंट का वेट कितना गया 90 ग्राम, उसका वेट कितना गया 100 ग्राम सॉरी 10 ग्राम ठीक है। तो अगर ये आ गया है
तो मैं इसे रफ कर देता हूँ ना। चलिए समझिए, आपने क्या किया, 10 × 1000 × 74.5 × 90 90, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.49 है ना। ये हो गया। इसका यूनिट वैसे क्या होगा, हमने पहले यूनिट बोला था क्या था, ग्राम, क्योंकि आप सॉरी मोल्स, क्या है मोल, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी और मोल्स पर ग्राम, तो ये आपकी किसकी यूनिट थी, मोलरिटी। तो आपके पास मोलरिटी निकल गई थी। अब हम क्या करते हैं, किसको निकालते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा मोलरिटी निकालने के लिए, अगर हमें मोलरिटी निकालनी है इसकी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लिया है ml में ले लेते हैं सर, हो जाएगा 1000। चलिए बोलो फटाफट क्या हो गया, वेट कितना है इसका, सर वेट तो वही है जो हमने निकाल लिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी किसकी निकाल रहे हैं, KCl की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 ग्राम। ओके इसका कितना हो जाएगा, 74.5 ग्राम दिया है सर, हमें वॉल्यूम नहीं दिया पूरे, अरे बस यही तो बात है, वॉल्यूम नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, वॉल्यूम को यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम छुपा रखा है उसने कहा डेंसिटी में, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास कितना था 100 ग्राम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम हमें नहीं पता, हम वॉल्यूम को लाएंगे इधर, इधर हो जाएगा 100 अपॉन 1.6, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम को क्या होगा, इस पर 10 ग्राम × 0.745 × इसको पुट करो 100 अपॉन 1.6, ये 1.6 पे चला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1.6 में चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.42 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर आपका यूनिट होगा, ये आपका पूरा जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो गया है ना। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, कैसे मॉलरिटी निकालते हैं, मॉलरिटी निकालते हैं, और सबसे बड़ी बात ये समझना है परसेंटेज और डेंसिटी, परसेंटेज और डेंसिटी, परसेंटेज को किस तरह से समझ के निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कैसे लेना है, मॉलरिटी में कैसे लेना है, वेट बाय वेट में और वेट बाय वॉल्यूम में कैसे लेना है। अगर हमसे डायरेक्ट परसेंटेज जैसे दे के पूछा होता तो हम वहाँ पर वॉल्यूम 100 ही लेते, ठीक है ना। तो इस तरह से है, अब आपके पास है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर डेंसिटी, देखो डेंसिटी है ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक वॉल्यूम लिया है, उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, एक में शुगर एक में सॉल्वेंट ऐड किया है, सेम सेम ग्राम, मैंने 10 ग्राम इसमें 10 ग्राम इसमें, अब आपके पास उसमें वॉल्यूम क्या ऐड करने से वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं उसका नहीं हो रहा ना, तो उसमें क्या डेंसिटी तो चेंज होगी, तो दोनों का मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मान जैसे मैंने वॉल्यूम लिया लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कितना वॉल्यूम है, मैं इसमें 1 लीटर लेता हूँ, इसमें 1/2 लीटर लेता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं ये पता नहीं है, मैंने लिया ना 1/2 और 1 लीटर, मुझे नहीं पता, मैं ये मान के चलता हूँ, और फिर मैंने इसमें 2 स्पून सॉल्ट इसमें डिजोल्व किया, 2 स्पून इसमें डिजोल्व किया, अब मैं तुमसे पूछो एक छुपा ली हुआ मैंने बात, तो मैं पूछूँ तुमसे किसमें कितना वॉल्यूम है, क्या बता सकते हो, नहीं, लेकिन उस सॉल्यूशन की आपको क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, तो क्या डेंसिटी दी हुई है तो आप उसका वॉल्यूम एग्जैक्ट बता सकते हो कि किसमें कितना वॉल्यूम लिया है मैंने, 50 किसमें लिया है, 1 किसमें लिया, ठीक है, तो आप उसमें से बता सकते हो, है ना। तो ये उसके अंदर छुपी हुई बात है, तो समझने की कोशिश करें।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आपको इसका बेनिफिट होगा। सो थैंक यू, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ, और नया कंसेप्ट हमारा आने वाला है सॉलिड। थैंक यू।